हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की आज की सभी ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। साथ ही सीएम योगी ने अभी कई बड़ी घोषणा बड़े ऐलान कर दिए हैं, तो वीडियो को लाइक करके खबर को एकदम आखिर तक जरूर देख लें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। उत्तर प्रदेश के 1,36,000 बिजली उपभोक्ताओं के साथ हो गई बड़ी गड़बड़, 21 जिलों में बढ़ी परेशानी। जी हाँ, बता दें कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम से जुड़े 21 जिलों के करीब 1,36,474 उपभोक्ताओं को गलत बिजली बिल का करंट लगा है। इन उपभोक्ताओं का RDF यानी रीडिंग डिफेक्टिव बिल भेजे गए हैं। अब इन बिलों को ठीक कराने के लिए उपभोक्ता परेशान है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश भर में 2,04,624 लोगों को गलत बिल मिले हैं। इनमें पूर्वांचल डिस्कॉम टॉप पर है। मध्यांचल में 54,473, दक्षिणांचल में 4,082, पश्चिमांचल में 1,994 और केस्को से 7,624 उपभोक्ताओं को गड़बड़ बिल भेजे गए हैं। यूपी, दिल्ली और हरियाणा के लोगों का जमीन खरीदने पर बड़ा खेल, हरिद्वार में भू कानून के उल्लंघन पर एक्शन। जी हाँ, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों के लोगों ने भू कानून का उल्लंघन कर उत्तराखंड के हरिद्वार में जमीनें खरीदी हैं। हरिद्वार जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की तो गलत तरीके से भूमि खरीदने वालों के नाम सामने आने लगे। प्रशासन ने वर्तमान में भू कानून का उल्लंघन करने वाले ऐसे 25 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ज्यादातर मामलों में औद्योगिक प्रयोजन के लिए जमीन ली गई, लेकिन मौके पर ऐसा कुछ मिला नहीं है। जांच में पाया गया है कि औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि ली गई, लेकिन मौके पर या तो जमीन खाली है या फिर चहारदीवारी कर छोड़ दिया गया है। कई जगह कृषि के लिए भूमि ली गई, लेकिन वहां चहारदीवारी कर दी गई है या फिर आश्रम बना दिया गया है। संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भारी बवाल, अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल, 1 से 8वीं तक के सभी स्कूल बंद। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि संभल शहर की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए दाखिल वाद के आधार पर सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची तो संभल में बवाल हो गया। बीते दिन अचानक टीम के आने पर जुटी भीड़ मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश करने लगी, रोकने पर पुलिस पर पथराव कर दिया गया। जमकर बवाल हुआ और भीड़ ने CEO की गाड़ी समेत कई वाहनों पर तोड़फोड़ कर दी और आग लगा दी। इसी बीच फायरिंग भी शुरू हो गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। बवाल में घिरकर 5 लोग चल बसे, कई अधिकारियों समेत दर्जन लोग घायल हुए हैं। तनाव को देखते हुए संभल में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इस बीच पूरे शहर में तनाव गहरा गया है और सख्ती इतनी बढ़ा दी गई है कि शहर में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया है। साथ ही संभल में 1 से 8वीं तक के सभी स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। योगी सरकार यूपी के IAS अफसरों को नए साल पर देगी बड़ा तोहफा, अगले महीने होगी ये मीटिंग। जी हाँ, योगी सरकार यूपी के IAS अफसरों को नए साल पर पदोन्नति का तोहफा देने जा रही है। इसके लिए दिसंबर में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक होगी। इसमें वर्ष 2000, वर्ष 2009, वर्ष 2012 और वर्ष 2016-2021 के बैच के IAS अफसरों को पदोन्नति और वेतनमान संबंधी प्रस्ताव रखा जाएगा। DPC में वर्ष 2000 बैच के IAS अफसरों को सचिव से प्रमुख सचिव बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। बता दें कि लगातार 25 साल की सेवा करने वालों को सचिव से प्रमुख सचिव बनाया जाता है। संभल में सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश, अखिलेश यादव ने बवाल के ठीक पहले का वीडियो किया पोस्ट। दरअसल बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान बवाल और फायरिंग से ठीक पहले का एक वीडियो पोस्ट कर यूपी की योगी सरकार को घेरने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने कहा कि सर्वे के नाम पर संभल में तनाव फैलाने की साजिश की गई, सुप्रीम कोर्ट से तुरंत इस पर संज्ञान लेने की अपील भी की है। अखिलेश ने जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें हिंदू पक्ष के लोगों के साथ जय श्री राम का नारा लगाती भीड़ दिखाई दे रही है। अखिलेश ने सुप्रीम कोर्ट से ये भी अपील की है कि जो लोग अपने साथ सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के उद्देश्य से नारेबाजों को लेकर गए, उनके खिलाफ शांति और सौहार्द बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज हो। बार एसोसिएशन से भी ऐसे लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की अपील की है। यूपी में भूमि अधिग्रहण शुरू, यूपी ईडा बनाने जा रहा नया एक्सप्रेसवे, किसानों को 4 गुना मिलेगी कीमत।
जी हाँ, इटावा के कुदरैल गांव में लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले चैनेज से गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए नया एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। नवनिर्मित एक्सप्रेसवे हरदोई जनपद की सवाईजपुर तहसील के कौसिया गांव में गंगा एक्सप्रेसवे से मिलेगा। नवनिर्मित एक्सप्रेसवे इटावा से हरदोई को वाया फरुखाबाद जोड़ेगा। शासन की ओर से स्वीकृति मिलने के साथ ही लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए यूपीडा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से ट्रेन पलटाने की हुई साजिश। पीलीभीत और बरेली रेल ट्रैक पर रखा सरिया। जी हाँ, आज पीलीभीत और बरेली रेल पथ पर डेमू ट्रेन को पलटाने की साजिश की गई, लेकिन लोको पायलट की सतर्कता से बड़ी घटना टल गई है। ललौरी खेड़ा स्टेशन के आगे पटरी पर सरिया देख लोको पायलट ने ट्रेन रोक दी। लोको पायलट ने इंजीनियरिंग विभाग और आरपीएफ को सूचना दी। आरपीएफ ने मौके पर सिविल पुलिस के साथ संयुक्त रूप से जांच की। सीनियर सेक्शन इंजीनियर नेत्रपाल सिंह ने थाना जहानाबाद में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बसपा के वोट बैंक में आसपा की सेंधमारी। यूपी में पांव पसारती जा रही चंद्रशेखर की पार्टी। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट बैंक पर एक छत्र पैठ का दावा करने वाली बहुजन समाज पार्टी का यह तिलस्म विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आने के बाद टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती पश्चिमी यूपी से आती हैं और वह जाटो बिरादरी से हैं। इसीलिए कहा जाता था कि जाटो वोट बैंक एक साथ होकर बसपा के साथ जाता है, लेकिन अब चंद्रशेखर की आजाद पार्टी इसमें सेंधमारी करती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी यूपी की मीरापुर और कुंदर की सीट का उपचुनाव परिणाम देखें तो यह अपने आप में काफी हद तक साफ होता हुआ दिख रहा है। इन दोनों सीटों पर आजाद समाज पार्टी ने बसपा से बेहतर प्रदर्शन किया है। इतना ही नहीं, पूर्वी यूपी में भी वह पांव पसारते हुए दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों की नर्सों को नर्सिंग और ड्रेस अलाउंस की आस जगी। हाई कोर्ट में पहुंचा मामला। जी हां, उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में तैनात नर्सों के लिए राहत की खबर है। मेडिकल कॉलेजों की नर्सों को जल्द ही नर्सिंग अलाउंस व ड्रेस अलाउंस मिल सकता है। हाईकोर्ट इसे लेकर संजीदा है। ऑल इंडिया रजिस्टर्ड नर्स फेडरेशन ने इसके लिए हाईकोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने मामले में डीजीएमई को 6 हफ्ते में फैसला लेने का निर्देश दिया है। इससे नर्सों के वेतन में करीब 12,000 रुपए की वृद्धि हो जाएगी और प्रदेश की करीब 10,000 नर्सों को इसका लाभ होगा। योगी के मंत्री नंदी का 2 करोड़ से ज्यादा उड़ाने वाले गिरफ्तार। बरामदगी 10% भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का 2 करोड़ रुपए उड़ाने वाले 5 साइबर सातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 14 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, 10 एटीएम कार्ड और 10 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। हालांकि पुलिस उड़ाए गए रुपयों में से 10% की भी बरामदगी नहीं कर सकी है। साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने केवल 12,22,000 रुपए फ्रीज किया है। कैलिफोर्निया की दुल्हन अफ्रीका का दुल्हा। यूपी में हिंदू रीति रिवाज से की शादी। 12 देशों के मेहमान हुए शामिल। जी हां, बता दें कि बुलंदशहर में अफ्रीका की दुल्हन और कैलिफोर्निया की दुल्हन की शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। विदेशी मेहमानों के साथ भारत पहुंचे अफ्रीका के दूल्हे और कैलिफोर्निया की दुल्हन ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सात फेरे लिए। ऊंचा गांव किले में भारतीय संस्कृति और वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ दोनों का विवाह संपन्न हुआ। और आपको बता दें कि इस शादी समारोह में 12 देशों के मेहमान शामिल हुए हैं। तकनीकी से भागे नहीं बल्कि इसके सापेक्ष खुद को करें तैयार। गोरखपुर में युवाओं से बोले सीएम योगी। जी हाँ, बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञानवान और सिलवान बनने के साथ विज्ञान और तकनीकी के अनुकूल होकर समय के प्रवाह की गति को समझना अपरिहार्य है। समय के प्रवाह की दुर्गति से बचने के लिए जरूरी है कि हम विज्ञान और तकनीकी से भागे नहीं बल्कि इसके सापेक्ष खुद को तैयार करें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 3 दिवसीय 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन दिवस पर एक विशेष सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल सेंटर फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड ठाणे मुंबई के सह संस्थापक दीपेश नायर को प्रोफेसर यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार से सम्मानित किया। SBI में असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर निकली भर्ती। 12 दिसंबर तक करें आवेदन।
जी हां, भारतीय स्टेट बैंक ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार SBI के आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत भारतीय स्टेट बैंक में 169 असिस्टेंट मैनेजर के पदों को भरा जाएगा। इस समय भर्ती प्रक्रिया चल रही है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर 2024 है, तो आप इस टाइम तक कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के लिए जरूरी खबर, CBDT ने दी यह सलाह। जी हां, टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार चालू आकलन वर्ष के दौरान अब तक विदेशी संपत्तियों और आय का विवरण देने वाले 2,00,000 इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए हैं। डिपार्टमेंट ने भारतीय निवासियों से यह आग्रह किया है कि वे विदेशी संपत्तियों की जानकारी देने के लिए सही फॉर्म दाखिल करें और यदि उन्होंने गलत फॉर्म जमा किया है तो अपने रिटर्न को संशोधित करें। एक वरिष्ठ CBDT अधिकारी ने बताया कि निवासी भारतीयों को विदेशी संपत्तियों और विदेशी स्रोत आय अनुसूची को भरकर कर्मचारी शेयर विकल्पों के जरिए अपने नियोक्ताओं से मिले शेयरों और अर्जित आय के बारे में आयकर विभाग को जानकारी देनी चाहिए। नेपाल सीमा पर बढ़ रही इस्लामिक गतिविधियां, पाकिस्तानी संगठन दावते इस्लामी ने शुरू किया चंदा अभियान। बता दें कि नेपाल सीमा पर इस्लामिक गतिविधि बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की संस्था दावते इस्लामी ने चंदा इकट्ठा करने के लिए अभियान शुरू किया है। इसके उद्देश्य संगठन का विस्तार करने के साथ ही लोगों को इससे जोड़ना है। अभियान चला रहे संगठन के लोग 9500 नेपाली रुपया यानी भारतीय रुपये में 6000 होता है जो चंदा मांग रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 2 खाता नंबर भी जारी किया है। खुफिया एजेंसी को आशंका है कि पाकिस्तान के चरमपंथी संगठन अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस चंदे का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधि में कर सकते हैं। आपको क्या लगता है ऐसा होगा, कमेंट जरूर करिए। जमीन खिसकने से सैफई घराना परेशान, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर पलटवार। दरअसल यूपी उपचुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार और भाजपा पर हमला बोला। वोटिंग के दौरान धांधली के कई संगीन आरोप लगाए। इसी के बाद भाजपा की तरफ से डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर पलटवार कर दिया है। सपा पर वार करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि लाल टोपी वालों के काले कारनामे जनता जान चुकी है, लिखी हुई स्क्रिप्ट सपा मुखिया पढ़ रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव के परिणामों से सपा की जमीन खिसक गई है। गोरखपुर में 1,286 करोड़ के निवेश की खुली राह, 5,000 को मिलेगा रोजगार। जी हां, बता दें कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के स्थापना दिवस की तैयारियां तेज हो गई हैं। 30 नवंबर को गीडा के 35वीं स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्यमियों को 85 नए औद्योगिक भूखंडों का आवंटन पत्र सौंपेंगे। इन नई इकाइयों की स्थापना से गोरक्षनगरी में 1,286 करोड़ रुपए के निवेश और 5200 लोगों के रोजगार की राह खुलेगी। उपचुनाव के नतीजों के बाद यूपी BJP में फेरबदल की आहट, अब 2027 के लिए टीम योगी होगी तैयार। जी हां, विधानसभा की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में 7 सीटें जीतने के बाद अब भाजपा वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के हिसाब से अपनी टीम तैयार करेगी। इसके लिए भाजपा के संगठन व सरकार दोनों में फेरबदल होगा। कुछ नेता सरकार से संगठन में आएंगे तो कुछ नेता संगठन से सरकार में जाएंगे। जितिन प्रसाद और अनूप प्रधान वाल्मीकि के सांसद बनने के बाद से उनके मंत्री पद भी रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे भी शामिल किए जा सकते हैं। गुड न्यूज, कोल्ड स्टोर में सड़ने वाले आलू से बनेगी खाद, शीतगृह संचालकों को 2 माह में करना होगा यह काम। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब सभी कोल्ड स्टोरेज में सड़े गले आलू को अब फेंका या गड्ढों में नहीं दबाया जाएगा, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से बनने वाले इस प्लांट में सड़े गले आलू से कंपोस्ट खाद तैयार करना होगा, जिसका रिकॉर्ड रखकर संचालक किसानों में बेच सकेंगे। इसके लिए संचालक विशेषज्ञों की सलाह लेकर कार्य करेंगे। यह आदेश उद्यान विभाग के प्रमुख सचिव BL मीणा ने सूबे के सभी जिलाधिकारी व जिला उद्यान अधिकारी को आदेश जारी किया है। वोट नहीं डले तो उनके वोट कैसे पड़ गए? यूपी उपचुनाव में मिली हार के बाद आक्रामक हुए अखिलेश यादव, कर डाली बड़ी मांग। जी हां, यूपी उपचुनाव में हुई हार के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उपचुनाव में इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग करके भाजपा ने चुनाव जीता। कुंदरकी की सीट पर 90% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाले तो उनके वोट कैसे पड़ गए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के फर्जी वोट डाले गए हैं उन्हें कुंदरकी के उम्मीदवार
मोहम्मद रिजवान अपने साथ लेकर आ रहे थे, लेकिन सीतापुर में पुलिस ने उन्हें रोककर थाने में बैठा लिया। भाजपा ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से वोट की लूट की है, चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की जाएगी। क्या आप अखिलेश यादव की बातों से सहमत हैं? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखिए। यूपी में घाटे में चल रहा बिजली विभाग, सिर्फ 4 साल में 29,000 करोड़ का नुकसान, हो सकता है बड़ा फैसला। जी हाँ, बता दें कि यूपी में पावर कॉर्पोरेशन साल दर साल घाटे की ओर से बढ़ रहा है। स्थिति ये है कि वर्ष 2024-25 में घाटा बढ़कर करीब 1,18,00,000 रुपए पहुंच गया है। पिछले 4 साल में यह घाटा 29,000 करोड़ रुपए बढ़ गया है। इस घाटे से उबरने के लिए आज उच्च स्तरीय बैठक होने की उम्मीद है। इस बैठक में घाटे को लेकर नई रणनीति बनाई जा सकती है। अयोध्या में खत्म होगी पार्किंग की समस्या, मिलेगी पजल पार्किंग की सौगात, ये है पूरा प्रोजेक्ट। जी हाँ, बता दें कि अयोध्या में श्रद्धालुओं के साथ आने वाले वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रामनगरी को 53 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक स्वचलित पजल पार्किंग की सौगात मिलने वाली है। रामकोट क्षेत्र में 2.31 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण होगा। इसमें 474 चार पहिया वाहनों के पार्किंग की क्षमता होगी। अपने तरह की यह पहली पार्किंग सुविधा होगी। निजी अस्पतालों के लाइसेंस के लिए किए गए बड़े बदलाव, नए वित्तीय वर्ष से लागू होगी व्यवस्था। जी हां, बता दें कि लखनऊ शहर के करीब 750 निजी अस्पतालों को अब 5 साल के लिए लाइसेंस मिलेगा। उन्हें हर साल नवीनीकरण भी नहीं कराना होगा। नए नियम के तहत ये व्यवस्था लागू की गई है। वहीं अहम बात यह है कि बेड की क्षमता के हिसाब से फीस भी तय हुई है। डीएम के जरिए 5 साल का लाइसेंस जारी किया जाएगा। ये व्यवस्था नए वित्तीय वर्ष से लागू होने की उम्मीद है। राजधानी में करीब 1,000 से अधिक निजी अस्पताल का संचालन हो रहा है। सभी अस्पतालों को अप्रैल माह में नवीनीकरण कराना पड़ता है। गंदगी का दर्द दे गए सिंगर दिलजीत, इकाना स्टेडियम प्रशासन ने दिखाई घोर लापरवाही, 5 लाख का लगा जुर्माना। बता दें कि राजधानी लखनऊ में मशहूर गायक व अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने भले ही लखनऊ वालों का दिल जीत लिया हो, पर इकाना स्टेडियम प्रशासन ने गंदगी फैलाकर नियमों को तोड़ा है। इस पर नगर निगम प्रशासन ने इकाना स्टेडियम पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल बता दें कि इकाना स्टेडियम में बीते दिन हुए दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम के दौरान गीले व सूखे कूड़े को इधर उधर फेंका गया, लिक्विड वेस्ट को इधर उधर और वाटर बॉडी में निस्तारित किया गया। स्टेडियम प्रशासन ने शौचालय आदि की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं की, जिससे गंदगी फैली। उत्तर प्रदेश में छात्रों की शैक्षिक क्षमता का मूल्यांकन कराएगी योगी सरकार, 4 दिसंबर को होगा राष्ट्रीय सर्वे का आयोजन। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को समझने और उसमें नीतिगत सुधारों के लिए आधार तैयार करने के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और एनसीईआरटी के सहयोग से 4 दिसंबर को परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 का आयोजन कराने जा रही है। इसमें उत्तर प्रदेश में 9,715 चयनित विद्यालय शामिल हैं, जिनमें सरकारी सहायता प्राप्त निजी विद्यालय, मदरसे और अन्य बोर्डों से मान्यता प्राप्त विद्यालय सम्मिलित हैं। यूपी के खिलाड़ियों का ऑक्शन, ऋषभ को 27 करोड़ में खरीदा। लखनऊ ने आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी बोली लगाई, मोहम्मद शमी हैदराबाद से खेलेंगे। जी हां, बता दें कि सऊदी अरब के जिहाद में आईपीएल मेगा ऑक्शन का पहला दिन खत्म हो गया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने विकेट कीपर विबल्लेबाज ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे क्रिकेटर बन गए हैं। लखनऊ टीम उन्हें कैप्टन बना सकती है। वहीं डेविड मिलर को लखनऊ ने 7,05,00,000 रुपए में खरीदा है। सुल्तानपुर में संविधान दिवस पर हुआ महासम्मेलन, बहुजन शायर अभिषेक जाटो बोले, संविधान को कोई बदल नहीं सकता, बहुजन समाज को कोई नहीं कर सकता कमजोर। बता दें कि सुल्तानपुर के लंबुआ के पांडेपुर गांव में संविधान दिवस के अवसर पर महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बहुजन शायर अभिषेक जाटव ने कहा, कोई हमारे संविधान को बदल नहीं सकता, हमें संविधान पर पूर्ण आस्था है, हम सभी बहुजन समाज के लोग बाबा साहब के सपने को साकार करेंगे, कोई हमें डरा कर बहुजन समाज को कमजोर नहीं कर सकता। महासम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने हमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कड़ी मेहनत पर कुर्बानियां देकर विश्व का सबसे बड़ा हमें संविधान दिया, जिस समाज को खाट पर बैठने व पानी छूने का अधिकार तक नहीं था। शिक्षा की बदौलत इस समाज के व्यक्ति ने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत को दिया।
बसपा देश भर में कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी, मायावती ने किया बड़ा ऐलान। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी प्रमुख उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राज्य की 9 सीट पर हुए उपचुनाव में पार्टी को करारी शिकस्त मिलने के एक दिन बाद चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब उनकी पार्टी कोई उपचुनाव नहीं लड़ेंगी। मायावती ने संभल में सर्वेक्षण के दौरान हुए बवाल की भी निंदा करते हुए कहा कि आज वहां सर्वेक्षण के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है उसके लिए उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन बुरी तरह से जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश में 3 दिन कोहरे और धुंध का अलर्ट, मौसम विभाग ने कहा अब बढ़ेगी ठंड। जी हाँ दोस्तों, बता दें यूपी में ठंड ने बेहद धीमी गति और देर से कदम रखा है। अब भी सर्दी आने की रफ्तार बहुत कम है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार यह जल्द बदलने वाला है और आने वाले कुछ ही दिनों में ठंड बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग का ये भी अनुमान है कि आने वाले दिनों में कोहरा और धुंध भी कई शहरों को घेरे रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।